हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल मेथी और मटर की रेसिपी। अगर ये नहीं बना के खाई सर्दियों में तो समझिए कुछ भी नहीं खाया। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले ले लेते हैं हम ये कढ़ाई और ये इसमें ले लिया हमने पानी। और मटर को मैंने बॉईल होने के लिए इसी में डाल दिया और ये गई मेथी। लगा देते हैं लीड और इनको उबलने देते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो झट से बनके तैयार हो जाती है, चाहे आप डिनर में बनाइए चाहे आप लंच में। जब तक ये उबल के तैयार होती है तब तक हम अगले तैयारी भी शुरू कर लेते हैं। इसमें ले लेते हैं हम थोड़ा सा पानी। और ये मैंने एक बड़ा प्याज रफली कट कर लिया है, इसको भी पानी में डाल लेते हैं। और ये थोड़े से काजू, अब इनको भी थोड़ी देर बॉईल होने देते हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है तो मूंगफली है, उसको थोड़ा सा सेक के और छिलके उतार के वो भी ले सकते हैं। मेथी बॉईल हो चुकी है तो मेथी को निकाल लेते हैं। मटर को भी एक बड़ी सी छलनी में निकाल लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए मटर भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब इनको हम ठंडा होने देते हैं। अभी प्याज और काजू भी बॉईल हो चुके हैं, इनको भी निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अभी हम इनको पीस के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया। तो अब हम फिर से कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब हम ले लेते हैं इसमें एक बड़ा चम्मच घी। गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ले लेते हैं एक चम्मच जीरा। इस रेसिपी को अगर आप घी में बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, अदरवाइज आप ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड तेल हुआ या सरसों का तेल। एक पिंच हींग, तेज अभी हमने जो मसाला पीस के तैयार किया था प्याज का वो भी इसमें ले लेते हैं।
लगातार चलाते रहते हैं और ये जो तेज पत्ते हैं इनको निकाल देते हैं। इसको 2-3 मिनट के लिए लगातार चलाते रहना है, नहीं तो जो हमने काजू डाले हैं उससे ये नीचे चिपक भी सकता है। बस प्याज की जो कच्चेपन की महक है वो निकल जाएगी। इसे चलाते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च। मसाले अच्छे से मिल चुके हैं और ग्रेवी भी थिक हो गई है। इसमें अब हम पानी डाल लेते हैं। ग्रेवी आपको कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उसके अनुसार पानी डाल लें। मेथी का जो पेस्ट तैयार किया था उसको मैंने पीस लिया है। आप चाहे तो उसको बारीक बारीक कट करके भी ले सकते हैं। अभी हम इसको 5 मिनट लीड लगा करके और पकने देते हैं। इसको पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। इसमें डाल लेते हैं हम गरम मसाला। और ये मटर जो हमने बॉईल करके रखे थे। और अब हम मिला लेते हैं इसमें ये 1/2 कटोरी दूध की मलाई। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो तैयार है हमारी सफेद ग्रेवी वाली मेथी मटर मलाई। आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।